सो हेगा सी काल चालर भाई, तो आज हम लोग फिर से एक बार खेल रहे हैं GTA 5, और आज हम लोग खेल रहे हैं भाई फ्रैंकली के साथ। और मैं यह सोच रहा हूँ कि ना इस वाले चैनल पे या तो अपन लोग फ्रैंकली के साथ खेलते हैं या फिर ट्रेवर के साथ खेलते हैं, क्योंकि माइकल के साथ अपने मेन वाले चैनल पे भी सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे खेल के भाई कोई भी फायदा नहीं है। आप लोग मेरे को कॉमेंट करके बताओ कि यार फ्रैंकली या ट्रेवर में से किसके साथ अपन लोग सीरीज कंटिन्यू करें। बाकी यार अभी ना अपना फ्रैंकलिन भाई सोकर उठा है, और फ्रैंकलिन ना यार आजकल काम ढूंढ रहा है क्योंकि इसके पास कोई भी काम नहीं है। थोड़ी बहुत बैंक रॉबरी करी थी, थोड़ा बहुत पैसा वगैरह लूटा था, पर सारा का सारा फ्रैंकलिन ने पैसा खर्च कर दिया, बहुत ज़्यादा पार्टी वगैरह की, गाड़ियाँ खरीदी, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो अभी फ्रैंकलिन का भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, जो भी इसने बिजनेस स्टार्ट किए थे सब में नुकसान हो गया, बिजनेस वगैरह चले गए, गाड़ियाँ चली गई, और अभी एक तरीके से पूरा कंगाल हो चुका है। फ्रैंकलिन के पास ना प्रॉपर्टी के नाम पे सिर्फ ये वाला घर ही बचा है और कुछ भी चीज़ें नहीं बची है, इसीलिए यार ये ना थोड़ा काम वाम ढूंढ रहा है। और अभी ये सोच रहा है कि कुछ टाइम तक ना अपन लोग इलीगल काम नहीं करेंगे, सारे लीगल काम करके पैसे कमाने वाले हैं और भाई बिजनेस वगैरह करने वाले हैं। तो अभी मेरे को सीमियोन के पास भी जा रहा है, और हेलो चॉप, क्या हाल है मेरे भाई। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार चॉप को ना आज घुमा के लाते हैं, भाई बहुत दिन हो चुके हैं। ओके तो चॉप वॉक पर चलेगा क्या भाई? ओके वॉक पे चलेगा, तो आ जाओ तो पहले काम करते हैं, चॉप को थोड़ा वॉक करा के लाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से ना यार मैं चॉप, एक सेकंड भाई आ जाओ तेरे को घुमा के लाता हूँ। ओके तो बहुत सही आ रहा है, फटाफट से इसको वॉक करा के लेकर आते हैं। उसके बाद हम लोग सीमियन के पास चलने वाले हैं, क्योंकि मैंने उसको फ़ोन किया था कि यार भाई आजकल मेरे पास कोई काम नहीं है, अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो मेरे को बताना। ओके आ जाओ इसको थोड़ा पार्क में वॉक करा के लाते हैं, बस आराम से देख कर आना भाई, गाड़ी वाड़ी ना चढ़ जाए, वैसे इस वाले एरिया में ना बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आती रहती हैं। ओके बहुत सही, तो मैंने इसको ऊपर के साइड लेकर चलता हूँ। और भाई चॉप देख रहे हो, इसका कॉलर वगैरह भी मैंने चेंज कर दिया है और उसको नहला दिया था, क्योंकि तुम लोगों को पता है बहुत ज़्यादा पॉटी वोटी करता है भाई, ये भाई पूरा दिन पॉटी वोटी करता है। आ रहा है ना मेरे पीछे पीछे बहुत सही, आ जा। मैं ना एक बॉल भी लेकर आया हूँ ताकि मैं इसे पार्क में खेल सकूँ इसके साथ। आ जा। ओके मैं सोच रहा हूँ किसी दिन ना इसे बड़े वाले पार्क में लेकर जाएँ, पर आज तो यहीं पर वॉक करा देंगे। देख रहे हो कितना तेज तेज भाग भाग के आ रहा है, अगर मैं बाइक से आता ना तब ये मेरा पीछा करने वाला था, बट बाइक से आकर कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे मतलब चोट वोट लग सकती थी। तो ऐसे ही इसे वॉक कराते हैं थोड़ी देर यहाँ पे, बस कोई और ना हो यहाँ पे, डॉग ना घुमा रहा हो यार, नहीं तो फिर चॉप ना उससे लड़ना। ओ भाई और भी लोग हैं, एक बंदा और है। चॉप एक काम कर, तू साइड में भाई, चॉप ना थोड़ा अटैक करने लगता है यार, थोड़ा गुस्सा हो जाता है। आराम से भाई, सामने से एक वाइट कलर का हस्की आ रहा है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि चॉप उसकी बैंड बजा दे भाई। चॉप अटैक मत कर देना यार किसी को, पर आ जा। आराम से घूम भाई पूरे एरिया में, आराम से घूम, जो कर रहे हैं आराम से कर दूँ। तो अभी मैं चॉप के साथ थोड़ा खेलने वाला हूँ, मेरे पास बॉल है एक। चॉप ये रही बॉल उठा के ला फटाफट से, इसको फेंकते हैं, जल्दी 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 चॉप जल्दी लेकर आ भाई, बॉल वगैरह ना लेकर आनी चाहिए भाई, डॉग्स को ना थोड़ा घुमाना चाहिए। देख रहे हो चॉप फुल खुश हो जाता है भाई, जल्दी 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 लेकर आ भाई, मैं जहाँ पे ही फेंकूंगा ना लेकर आएगा। पहले से बॉल लेते हैं, ओके बॉल मैंने ले ली। एक काम करते ना थोड़ा दूर पे फेंकते हैं, पहले ट्राई करते हैं इस साइड घास में से लेकर आएगा क्या, मैंने फेंक दी, जल्दी 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 लेकर आ, देखते ही लेकर आएगा या नहीं आएगा। और मैंने इससे मतलब हंट करने के लिए भी बोल सकता है, अगर मैं बोल दूँ ना इसे भाई अटैक कर दे किसी पे, तो सीधे अटैक कर देगा भाई, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डॉग है। एक सेकंड कहाँ रह गया भाई ये, एक सेकंड से, ओके आ रहा है भाई, बहुत एकदम ट्रेनिंग दी है मैंने चॉप को तगड़ी वाली। एक काम कर देना गाइस, इस बार नीचे के साइड फेंकते, चॉप इधर है जल्दी, मैंने इसे एक बार नीचे फेंकता हूँ, देखता हूँ जाएगा नहीं जाएगा। ओ भाई रास्ता ढूंढ के जा रहा है, देख रहे हो भाई, फुल ट्रेनिंग व्रेनिंग दे रखी है मैंने इसको, देख तगड़ी वाली। पता नहीं किस साइड में नीचे जा रहा है बॉल लेने, बॉल तो लेकर आ जाएगा पक्का, मुझे यकीन है भाई इसके ऊपर। मैं पे इंतजार करता हूँ, वो देखो बॉल मिल गई, उसको बॉल मिल गई, लेकर आ रहा भागते हुए आ रहा है। एक काम कर देना अभी घर के साइड ही निकलते हैं, क्योंकि मैंने अच्छे से वॉक वगैरह करा दिया। देखो बॉल लेकर मेरे पीछे पीछे आ रहा है, पहले मैं इससे बॉल ले लेता हूँ, कहीं रास्ते मेरा छोड़ दे। ओके बहुत बढ़िया, गुड बॉय चॉप, आ जा निकलते हैं। तो गाइस अरे जल्दी आ भाई, जल्दी आ, हो गया गेम, बॉल फेंकनी पड़ेगी तब आएगा। देख मैंने बॉल आगे फेंक दिया, जल्दी 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 लेकर आ, ये ऐसे नहीं आने वाला भाई, बॉल मैंने फेंकी है ना, बॉल उठा के मेरे पीछे पीछे आएगा, वो देखो मेरे से भी तेज तेज जा रहा है। तो अभी मैंने इसे वॉक वगैरह करा दिया है, मतलब बॉल से भी इसे खिला दिया है, देखो यहाँ देखो बॉल जा रही है। ओके चॉप आ जा बॉल लेकर सीधे घर आ भाई, बॉल लेकर घर आ, बस भाई आ जा, हो गया गेम, जल्दी आ। ओके सो गाइस अभी हम लोगों ने चॉप के साथ भाई खेले हैं, इसे वॉक वगैरह करा दिए, अभी इसको भाई घर छोड़ देते हैं, एंड उसके बाद फटाफट से सीमियन के पास चलते हैं, देखते हैं भाई सीमियन के पास काम कौन सा है। बॉल को मैं अंदर रख लेता हूँ, आ जा आराम से आना भाई, चोट वोट ना लग जाए तेरे को। आ गया,
ओके भाई इसको पहले घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि ना बाहर अकेले भी घूमने चले जाता है। आजा 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 आजा। अबे नीचे है भाई, क्या कर रहा है वहाँ पे? नीचे है, जल्दी नीचे है। मैं आगे अंदर जाऊंगा ना तो शायद ही आएगा। ओके तो अभी मैंने चॉप को यहाँ पे बिठा दिया है। चॉप अभी थक गया, मैंने इसको बोला कोई दिक्कत नहीं, आराम वगैरह करे भाई, खाना वाना खाए। अभी फटाफट से अपन लोग निकलते हैं। और एक सेकंड भाई, पीछे मत आ मेरे यार। भाई अभी मेरे पीछे पड़ गया, मेरे को जाने नहीं दे रहा है भाई, मेरे पीछे पीछे आ रहा है। इसको भाई कैसे भी घर में छोड़ना पड़ेगा। तो अभी मैंने चॉप को यार समझा दिया और चॉप भाई अभी बैठ चुका है। मैंने इसको बोला कि बाद में मैं इसको कार से घुमाने ले जाऊंगा, तब जाके माना है, नहीं तो भाई मेरे पीछे पीछे मेरे साथ ही जाने को तैयार था। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार अपनी ना कार से नहीं, अपन लोग बाइक से चलते हैं, क्योंकि सिटी में ना बहुत ट्रैफिक होता है। तो पहले म्यूज़िक को बंद करो। अबे भाई बंद हो जा, कहीं पे भी रेडियो चलना स्टार्ट हो जाता है। और चॉप आ तो नहीं रहा ना? ओके नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो फटाफट से चलते हैं भाई सीमियोन के कार शोरूम पे, एंड चल के देखते हैं कि यार वहाँ पे काम क्या चल रहा है। वैसे मेरा ना सीमियोन के साथ थोड़ा पंगा वंगा चलता रहता है, और अभी अपने को काम चाहिए और काम ना सीमियोन ही दे सकता है। वैसे लेस्टर के पास भी काफ़ी सारे काम है, पर अभी मैंने लेस्टर को मना कर दिया है कि अभी ना मेरे को कोई इलीगल काम नहीं करना भाई, मेरे को पुलिस का कोई चक्कर ही नहीं चाहिए। नहीं तो पुलिस क्या करती है ना, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेती है। मैंने बहुत टाइम पहले कार शोरूम भी लिया था, तो पुलिस ने उस पर रेड करी और भाई कार शोरूम पूरा तोड़ फोड़ दिया। तो अभी ना जो भी काम करेंगे अपन लोग इलीगल काम करेंगे, और भाई सही तरीके से पैसे कमाएंगे, चाहे थोड़े कम पैसे क्यों ना कमाएं। तो अभी एक काम करते हैं, फटाफट से चलते हैं सीमियोन के कार शोरूम पे एंड चल के यार काम देखते हैं। तो अभी हम लोग सीमियोन के कार शोरूम पे पहुँचने वाले हैं भाई, फटाफट से चल के उससे बात करते हैं। और आज सिटी में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। और गाइस तुम लोग सीमियोन का कार शोरूम देख रहे हो भाई, इसने अपना कार शोरूम काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड करा दिया है भाई। सीमियोन ना बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है। तो एक काम करते हैं, अपन लोग अपनी बाइक को यहाँ पार्क में लगा देते हैं। पार्क में सॉरी पार्किंग में मैंने यहाँ पे लगा दिया। एंड तुम लोग यहाँ देख रहे हो सिक्योरिटी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है भाई, गार्ड्स वगैरह लगा दिए हैं भाई। पीछे से नहीं, अपन लोग आगे से चलते हैं। और यहाँ देख रहे हो भाई क्या मॉडिफाई किया यार ये बंदा, तो बहुत पैसा कमा रहा है। मतलब हमने इतना पैसा कमाया हमें भाई लॉस हो गया, और ये बंदा कार शोरूम खोल के इतना प्रॉफिट कमा रहा है। देख रहे हो पूरा कार शोरूम अपग्रेड कर लिया यार भाई। मुझे लगता है ना मतलब तो सिटी में कार शोरूम का बिजनेस ही करना है। यहाँ देख रहे हो सिक्योरिटी वगैरह काफ़ी तगड़ी लगा दी। और ये देखो भाई ये क्या है। ओके ये भाई नीचे चले जाएंगे ऑटोमेटिक। भाई ये चीज़ बढ़िया है, कोई गाड़ी लेकर यहाँ से चोरी करके नहीं जा सकता। पार्किंग का एरिया भी काफ़ी बढ़िया कर दिया। और तुम लोग यहाँ भीड़ चेक कर रहे हो भाई, कितनी ज़्यादा भीड़ आ चुकी है भाई, काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं। तो एक काम करते हैं फटाफट से अंदर चलते हैं, चल के सीमियोन से बातचीत कर लेते हैं। एंड अंदर काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी हैं। ओके भाई बहुत सही बिजनेस तो काफ़ी बढ़िया चल रहा है यार इसका, मतलब पक्का ही अपने को काम वगैरह ज़रूर देगा। तो फटाफट से इससे बात कर लेते हैं। तो अभी मेरी सीमियोन से यार बातचीत हो गया, और सीमियोन बोल रहे हैं कि यार ये फ्रैंकल को काम तो दे सकता है, पर काम थोड़ा रिस्क का काम है। तो मैंने इसको बोला कि भाई इलीगल काम तो नहीं है ना भाई, इलीगल काम है कोई भी नहीं करने वाला, लीगल काम होगा कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क जितना भी हो भाई पैसे मिलने चाहिए, मैं काम करने को तैयार हूँ। तो सीमियोन बोल रहे हैं कि हाँ पैसे तो ये काफ़ी बढ़िया दे देगा, क्योंकि यार देखो आजकल ना सीमियोन का कार शोरूम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है। तो इसको ना खतरा भी बढ़ गया है भाई, गैंग वगैरह यहाँ पे अटैक करती रहती है, चोरियाँ हो रही हैं, और गाड़ियाँ मतलब जो लोग इससे खरीद के ले जाते हैं ना वो इसको पैसे नहीं दे रहे। तो फ्रैंकल का काम होगा भाई पैसे वसूलना, थोड़ा बहुत गाड़ियाँ डिलीवर करना। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीमियोन में काम करने को तैयार हूँ, बस मेरे को कुछ पैसे एडवांस में चाहिए। तो अभी मैंने फ्रैंकल से यार $50,000 एडवांस में ले लिया, और भाई ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है यार, मुझे लगा नहीं था ये इतना पैसा मेरे को दे देगा। मुझे तो लगा कि भाई 10-15,000 ही देगा, पर इसने पूरा $50,000 मेरे को एडवांस में दे दिया है। एंड सीमियोन ने मेरे को एक काम भी दे दिया है। सीमियोन बोल रहा है कि फ्रैंकल अभी एयरपोर्ट पर जाए, वहाँ पर दो गाड़ियाँ आई हैं, दोनों गाड़ियों को यहाँ पर लेकर आना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, सीमियोन आराम से काम हो जाएगा, ये अपने लिए ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। तो फटाफट से मैं काम करता हूँ, अपनी बाइक से चलते हैं एंड चल के फटाफट से गाड़ियाँ लेकर आते हैं। और अभी ना कुछ टाइम के लिए हम लोग सीमियोन के लिए काम करेंगे, एंड उसके बाद जैसे पैसा वैसा हो जाएगा ना तो अपना खुद का कार शोरूम स्टार्ट कर देंगे, और भाई खुद मतलब बिजनेसमैन बन जाएंगे, मतलब खुद ओनर बन के बैठेंगे। तो अभी जल्दी से निकलते हैं भाई एयरपोर्ट की तरफ एंड वहाँ से गाड़ियाँ लेकर आते हैं। और भाई मुझे लगा नहीं था कि सीमियोन इतना जल्दी अमीर बन जाएगा यार, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि लॉस सांटोस में देखो कार शोरूम तो काफ़ी सारे थे, पर धीरे धीरे सबके बंद हो गए, और सीमियोन का अभी तक चल रहा है। तो इसीलिए यार ये इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है भाई, सही है यार अपन लोग भी कार शोरूम ही खोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए।
ओके तो अभी आराम से चलता है। एक सेकंड, सामने तुम लोग वहाँ देख रहे हो पैसों का ट्रक है, अगर मैं उसको चोरी कर लूँ तो करीब मेरे को $1-2 लाख अब भी मिल जाएंगे। पर यार नहीं यार, कोई इलीगल काम नहीं करना भाई, मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करने वाला जिससे पुलिस मेरे पीछे पड़े। पुलिस का चक्कर अपने को चाहिए ही नहीं भाई, चाहे पैसा जितना भी कम मिले, करेंगे सारे सही चीज़ें। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से अपनी बाइक को भगाते हैं और जल्दी से चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ और सी में उनकी गाड़ियाँ लेकर आते हैं। तो अभी हम लोग यार एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, फटाफट से चल के यार सीमियन की गाड़ियां लेकर उसके कार शोरूम पे चलते हैं। बाकी सीमियन बोल रहे हैं कि यार यहाँ पे जो गाड़ियां आई है ना वो काफ़ी ज़्यादा महंगी गाड़ियां है, तो फ्रैंकली थोड़ा संभाल के लाए क्योंकि रास्ते में ना यार चोरी वगैरह हो सकती है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपन लोग पूरी तैयारी के साथ चल रहे हैं, वेपन वगैरह भी मेरे पास सारे हैं भाई। अगर किसी ने भी गाड़ी चोरी की ना तो रास्ते में सीधे मैं उसको ठोक दूंगा, बाकी सबको सीमियन संभाल लेगा, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि चोरों को मारेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ओके तो मेरे को पता लगा था कि गाड़ी यहाँ पे आई है, तुम लोग यहाँ देख सकते हो गाइस। पर एक सेकेंड यार, यहाँ पे तो सिर्फ एक गाड़ी खड़ी है यार, दो गाड़ियों की बात हुई थी ना, सीमियन ने बोला था कि मुझे दो गाड़ियाँ एयरपोर्ट से लानी है, बट यहाँ पे तो एक ही गाड़ी खड़ी है। पर गाड़ी लग कितनी ज़्यादा प्यारी रही है भाई, दूसरी गाड़ी कहाँ गई? एक सेकंड इस बंदे से पता करते हैं, शायद इसको कुछ पता हो। तो अभी मेरी इस बंदे से यार बातचीत हो गई और ये बता रहे हैं कि यार कुछ देर पहले यहाँ पे एक बंदा आया था जो बोल रहा था कि यार सीमियन के कार शोरूम से आया है, और वो बंदा एक गाड़ी को उठा के ले गया, पर सीमियन ने तो किसी को भेजा ही नहीं यार, उसने तो मेरे को ही भेजा था, ये चल क्या रहा है? एक सेकंड, फटाफट से पहले मैं उसको कॉल करता हूँ एंड कॉल करके उसको भाई ये बात बताता हूँ। तो अभी मेरी सीमियन से यार फ़ोन पे बातचीत हो गई और सीमियन बोल रहे हैं कि यार उसकी एक सुपर कार चोरी हो चुकी है और आजकल उसके साथ यार यही चल रहा है, क्योंकि लॉस सांटोस में सबको पता लग गया है कि यार सीमियन बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, इसीलिए लोग उसका नुकसान कर रहे हैं, उसके कार शोरूम से गाड़ियाँ ले जा रहे हैं आधा पेमेंट करके एंड बाकी का पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए सीमियन ने फ्रैंकल को हायर किया है ताकि फ्रैंकल सबसे पैसा वसूले और जो भी उसकी गाड़ियाँ चोरी करे उसकी बैंड बजाते। तो मैंने सीमियन को बोला है कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसकी सुपर कार बस लेकर आऊंगा, बस वो पता लगा ले। तो पहले एक काम करते हैं भाई, इस वाली गाड़ी को कार शोरूम पे पहुंचाते हैं एंड गाइस देख रहे हो लग कितनी ज्यादा प्यारी रही है यार, ये मतलब बहुत ही सही सुपर कार है। तो एक सेकंड आराम से, एक सेकंड, ओ भाई 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 भाई, 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 भाई। मैंने गलती से थोड़ी सी गाड़ी ठोक दी, एक मिनट मेरे को, अबे भाई आगे से हट जा यार एक मिनट। ओके यहाँ पे अच्छा रहा, स्क्रैच नहीं लगा भाई, मेरे को लगा स्क्रैच लग गया, अगर स्क्रैच लग जाता ना तो भाई दिक्कत हो जाती। भाई सुपर कार देख रहे हो, लग तो बहुत ज़्यादा प्यारी रही है। पर अब ये काम करते हैं, फटाफट से इसको ऊपर लोड करवाते हैं। तो अभी हम लोगों ने यार सुपर कार को जैसे तैसे करके यार लोड करा दिया और भाई लोड कराने में ना करीब 2-3 बंदे लगे तब जाके लोड हुई है, क्योंकि गाड़ी में ना कोई स्क्रैच नहीं लगना चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी है। तो अभी एक काम करते हैं, फटाफट से इस वाले ट्रक को लेते हैं एंड जल्दी से गाड़ी को कार शोरूम पर पहुँचाते हैं। ओके बहुत सही, अभी ना मेरे को ट्रक को एकदम आराम से लेकर जाना है और यार यहाँ से तो नहीं निकलने वाला, तो एक काम करते हैं बैक कर लेते हैं यहाँ से। ओके बहुत सही, एंड जो मेरी बाइक है ना बाद में मैं उसको आकर यहाँ से ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाइक तो कोई भी चोरी नहीं करेगा यार, मतलब बहुत सस्ती वाली बाइक है भाई, चोर भी ना मतलब महंगी कारें चोरी करते हैं। तो अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और भाई सीमियन ना अभी मेरे को इस काम के काफ़ी पैसे दे सकता है और एक तरीके से ना अपना नया बिजनेस स्टार्ट हो चुका है यार। सही है, सीमियन के साथ काम वाम करते हैं, क्योंकि उसको वैसे भी यार देखो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो मैं उसकी जितनी भी गाड़ियाँ वापस लाऊँगा ना उनमें भी उससे कमीशन लेने वाला हूँ, फिर तो अपने पास पैसा भी पैसा होगा। तो अभी एक काम करते हैं, फटाफट से बाहर निकलते हैं और भाई ये वाला गेट खोलना था यार, उसने भी गार्ड ने भी ना देखो गलत ही गेट खोल दिया। अबे आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, कोई है तो नहीं ना सामने? ये बहुत सही, फटाफट से इसको सीमियन के एक कार शोरूम पे लेकर चलते हैं। तो अभी हम लोग यार सीमियन के कार शोरूम पे बहुत छिने वाले हैं और भाई ये वाला ट्रक ना काफ़ी सही चल रहा है और कंट्रोल में काफ़ी बढ़िया है। मुझे तो लगा कि यार लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पर काफ़ी आराम से मैं लेकर आ चुका हूँ। और एक सेकंड भाई, क्या कर रहे हो तुम दोनों यार? हद है भाई, कहीं पे भी घुमा रहा है, मतलब पार्किंग देखकर कहीं पे भी मोड़ दोगे, पहले देख तो लो पीछे इतना बड़ा ट्रक आ रहा है, हद है भाई। तो अभी हम लोग गाड़ी को कार शोरूम पे लेकर आ चुके हैं, मैं एक काम करता हूँ ना इसको पीछे के साइड लगा दूँ। ओके बहुत सही, मेरा काम है बस यहाँ पे लेकर आना, बाकी का जो स्टाफ है वो गाड़ी को नीचे उतार के इस वाले ट्रक को साइड में लगा देगा। ओके बहुत सही, तो अभी हम लोगों ने अपना काम कर लिया है, फटाफट से चल के सीमियन से बात कर लेते हैं। ओके वो दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ पे, एक सेकेंड। ओके यहीं पे खड़ा है भाई, कॉफ़ी पी रहा है यार, मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं आ गया।
तो अभी मैंने यार सिमियन से बातचीत कर ली और मैंने इसको बता दिया है कि यार मैं उसके सुपर कार भाई कार शोरूम पे लेकर आ चुका हूँ। और भाई सिमियन ना मेरे काम से बहुत ज़्यादा खुश है। सिमियन बोल रहे हैं कि यार फ्रैंकलिन ना बस ऐसे काम करते रहे, ये मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे देगा। और अभी तो अपने को पैसों की ज़रूरत है यार, अपन लोग बस पैसे वैसे कमा लें, फिर तो मैं अपना खुद का कार शोरूम स्टार्ट कर दूंगा, एक बढ़िया सा कार शोरूम। बाकी यार सिमियन ना अपनी उस वाली कार को भी ढूंढ रहा है जो चोरी हो गई है, तो मैंने इसको बोला कोई दिक्कत नहीं, बस ये पता लगा ले, लेकर तो मैं आ जाऊँगा चाहे किसी भी गैंग ने क्यों ना चोरी की हो, भाई सबकी बैंड बजा दूंगा। देख रहे हो गन की कमी नहीं है भाई अपने पास, गन तो बहुत ज़्यादा है, पर किसी को ऐसे ही नहीं मारना भाई, पुलिस वुलिस पड़ जाएगी। हाँ चोरों को तो हम लोग टपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, अपना काम हो चुका है, मैंने सिमियन को बोल दिया है कि जब भी काम हो ना भाई सीधे कॉल कर देना, मैं सीधे यहाँ पे आ जाऊँगा। वैसे भी आजकल अपन लोग सिमियन के लिए काम करने वाले हैं भाई, नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया है सिमियन के साथ भाई, काम वाम कर रहे हैं तो बढ़िया पैसा कमा लेंगे। तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, और अभी मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है भाई, कहाँ से गाड़ी लूँ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं ना, सिमियन के कार शोरूम पे एक बाइक खड़ी थी उसी को लेकर चलते हैं भाई, अगर इसको वापस से होगी ना तो कॉल कर देगा। ओके यहाँ पे बाइक खड़ी है भाई, लग भी बढ़िया बाइक रही है, देख रहे हो बढ़िया लग रही है। फटाफट से इसको लेते हैं एंड जल्दी से निकलते हैं अपने घर की तरफ। ओके अबे भाई नीचे तो हो जाओ। ओके भाई देख रहे हो कि आप बढ़िया तरीके से नीचे हुए, तो एक काम करते पहले हेलमेट लगा ले यार फ्रैंकलिन आराम से, ताकि चोट वोट ना लग जाए। ओके बहुत सही। तो अभी निकलते हैं अपन लोग घर की तरफ, सिमियन को अगर कोई काम होगा तो भाई वो कॉल कर देगा। बाकी इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोग को मज़ा आए, अगर मज़ा आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट वगैरह भी यार कर दिया करो। बाकी मैं आप लोग इसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।